सो रहा है कमबख्त मारा। दूल्हा भाई अस्सलाम वालेकुम। ना कर दिया ना सुबह सुबह दिमाग रहा साले, अब मुझे शाम तक सब भैया क्या होंगी। शेख जी मैंने तुम्हें भाई तो कहा, कोई गाली तो देनी दी। अब इससे भी ज्यादा और गाली क्या देगी, साली हो गए भैया कह रही है। शेख जी हमारे यहाँ जीजा को भाई कहते हैं। ना तुम्हारे जीजा को भाई कहो, फिर तो तुम्हारे जीजा तुम्हारी बहन को बहन कहेंगे। ओफो शेख जी तुम भी कैसे पागल जैसी बातें करते हो। वह साली मुझे पागल बतला रही है, मैं लिख रहा तो चली जा, तेरा चक्कर में तो मेरा घर बिगड़ गया। अरे शेख जी बड़ा गुस्सा दिखा रहे हो, ऐसा क्या हो गया, मैंने क्या बिगाड़ दिया। वह मेरी सज्जा मुझे छोड़कर चली गई। शेख जी तुम तो बेफालतू में मुझे गुस्सा हो रहे हो, मैं तो तुमसे कुछ बात करने के लिए आई थी। हैं? क्या बात करना है जी बता। भाई अभी बात करने की कसर रह गई, कर बात, क्या बात करना आई थी। सज्जू बाजी का फोन आया था। फोन आया? हाँ, और वो कह रही थी कि उस पागल को कह दियो। पागल बतला रही? हाँ तुम्हें पागल बता रही थी वो। वो कह रही थी उस पागल से कह दियो कि वो तुझे ही रख लेगा, मैं नहीं आने की। हैं? ऐसे कह रही? तू अपने दौर से इतना बना रही है बात? ना यकीन है तो एसटीडी पे चल के पूछ लो। एसटीडी पे तू भी इंग्लिश जान गई? तू एक बात बतला, तू सज्जो को पता देना आई थी या मेरा रहना आई है? हाँ सोच के तो मैं यही आई थी कि तुम मुझे रख लोगे। तू गलत नंबर पे आ गई, अगर तू पहले आ जाती तो मैं रख भी लेता, अब तो मैंने सलमा रख ली, अब तेरा नंबर नहीं आने वाला। क्या? हाँ तुमने सलमा रख ली? हाँ चलो ठीक है, जब तुमने रख ही ली तो कोई बात नहीं। एक बार सुन ले, अगर कहीं भी ताल न लगे तो प्रिंस सिकाड़िया के पास चल जाइए, पढ़े तुझे धर्म परिवर्तन करना पड़ो। अच्छा एक काम करो शेख जी, आप मेरा हाथ देखकर तो बताओ। तेरे हाथों की रेखा मैंने कई बार देख ली, तेरे हाथों की रेखा तो बिल्कुल मिट चुकी, अब तेरे हाथ नहीं पैर की रेखा देखनी पड़ेगी, तब तो निकल सका कुछ निकाह का उपाय। दिखाएगी तो ठीक है, देखो देख, लेट लेट का देखूंगा लेट। ठीक है टांग दिखाओ, पर इधर दिखा, तेरे पैरों की रेखा देख कर लग रहा तेरा निकाह हो सके, पर इसका उपाय करना पड़ेगा। ठीक है तो बांध दो। कर दूं? पर तड़फड़ा रही है। ठीक है इसका उपाय करना पड़ेगा। धरती बांधू, आकाश बांधू, पाताल बांधू, चारों दिशाएं बांधू। चारे शेख साहब पहले तो न्यू बता, जो तुम्हारे 15 दिन पहले छप्पर तोड़ गया उसे बांध का पहले तो, और यो आकाश आकाश धरती वरती बांधे बांधियो। बा खुशबू ये दुनिया वाले तेरा लिखा नहीं होता। सही कह रहे हो शेख जी, मैं उपाय कर भी देता तई कम ना कहता पता, तू यही नहीं कर, तू यही लेट, मैं इसका साले का बड़ा छप्पर बांध गा। चल चल जरा तकिया लाना सलमा, वह तकिया लिया, तकिया खुदा की बंदी। वह क्या हो गया? अरे मेरा बक्सा चोरी हो गया, सारे मेरे गहने कपड़े सब चोरी हो गए। अजी तुम हंस रहे हो और मेरा दिल जल रहा है। तो बेवकूफ मान रही है मुझे, अपनी तरह पागल मान रही है। जो साला संदूक लेकर गया साला ही आएगा, उसे आना पड़ेगा यही। अजी तुम कुछ भी करो मेरे कहने ला दो अजी। वह तू पगली है, जिस संदूक को लेगा ना उसके साले की चाबी मेरे पास है, खुलवाना ही आएगा, साला का हीला पटे लगाऊंगा। कौन चाबी है? चाबी देखे ये रही, साला यहाँ आएगा हीला पटे लगाऊंगा साले पे। चल खुश हो, हंस, अब खुश हो। अरे कोई है? शेख भाई? अरे शेख जी है क्या?
सलमा, ओ सलमा, बाबो ना क्या चिल्ला रहा, क्या बात है, क्या लेना आया है? अरे शेख जी, मैं लेने ना, मैं देने आया हूँ। हाँ। सलमा को अंडे चाहिए, मैं अंडे देने आया हूँ। अंडे देने आया? हाँ। मैं तेरे घर में जगह नहीं थी अंडे देने की, हमारे घर में मिली जगह। मैं अपने घर से ही आ रहा हूँ सीधा। मैं अपने घर में दीजिए अंडे, हमारे घर में अंडे देगा साले, नहीं निकले ऐसे। निकलूं कैसे? नहीं निकले, अंडे देगा यहाँ। अजी क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? मैं तुझे था, मुझे चिल्लाना नजर आ रहा हर समय। आवाज तो तुम्हारी थी। देख ले, ये भी बकवास कर रहा, अंडे देना अंडे, मैं अपने घर में दीजिए अंडे जाके। ठीक तो कह रहा है। क्या कह रहा है? ठीक कह रहा। तुम चुप रहो। ले चुप हो गई, तू कर ले भाई जो करना। मैं कर क्या करना, मैं तो अंडे देने आया था। ठीक है, निकल निकल ले, नहीं निकले जिना साला, उल्टी सीधी बातें कर रहा। वह शेख सिल्ली को पागल मान रहा, अकलमंद हूँ मैं, अकलमंद। आज तक कोई काम किया अकलमंदी का तुमने? मैं क्यों नहीं किया काम अकलमंदी का, मैंने बतला मेरे से क्या करवा, बतला। चलो ऐसा करो, मेरे अब्बा की जाके बकरी चरा लाओ। बकरी? अब्बा मुझे नहीं लाई है भगा के, और मैं तेरे अब्बू की बकरी चराया करूँगा, मैं गुलाम बनाएगी मुझे। ये भी तो हमारे ही काम है। ठीक है, तो ठीक है, और से तेरे अब्बू की बकरी चरा कर लाऊंगा। अच्छी तरह से चरा के लाना, जो बकरियों को पेट भर जाए। ठीक है ठीक है, इम्तिहान ले रही है मेरा, मैं बहुत अकलमंद हूँ, साली वैसे चरा कर लाऊंगा। ठीक है। लफर लफर कर रही है। और खैरियत हो? ठीक है, तुम भी खैरियत से हो? हाँ ठीक। मुल्ला जी बकरी बड़ी प्यारी है, देख रहे हो क्या? नहीं मेरी नहीं है, ये मेरा ससुर साहब की है, ससुर साहब की। कोई बात नहीं, हमें तो बकरी खरीदनी है, नगद दे रहे हैं। पैसे 1000 रुपए की है। हाँ रुपए तो 1000 ही दे दो, की बात नहीं। मगर भाई जान मुझे पूछ कर आना पड़ेगा। अब तो तू पूछ कर, मैं अभी सलमा से पूछ का हूँ, किसी से भी पूछ। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, सलमा से पूछ के आओ तुम। जाओ बकरी हम पड़ेगा, बकरी हम संभाल लेंगे। ऐसा करो सुनो, तुम मेरी बकरी पकड़ो। हाँ हाँ छोड़ दो, और मैं पूछ का रहा हूँ, डंडी मिलो जल्दी। यही मिलना? अरे ये बैठे हैं, बैठे हैं। अरे यही नहीं मिला साला, बक्कल तार दूंगा तेरे सामने। ही बैठ जा, बैठा ठीक है, हम बैठे हैं। जल्दी जा, यही बैठे, मिलना जल्दी जा। ठीक है, जाओ जल्दी आइए। थैंक यू। एक ले और इतने मुल्ला जावे भाज ले कर ले। अरे रस्सी भी बाद में खोल लेंगे तो निकल ले।
शर्मा प्याज काट रही है। चरा लाए बकरी? वह बकरी क्या चरा लाया, बकरी तो बिक रही है, बकरी का सौदा हो गया। मैं तो पूछने आया हूँ, मैंने कही अपनी शर्मा से पूछे हूँ जब दूंगा। हाय अल्लाह, वो तो बकरी लेके भाग गया होगा। ऐसे भी भाग जाओ बकरी लेके, वो तो मेरे से कहा तो शर्मा से पूछिया, अपनी शर्मा से पूछा। मैं तो पूछने के लिए आया हूँ, बकरी बेचू या ना बेचू? या अल्लाह, मैं अब्बा को क्या जवाब दूंगी, वो तो मैं बहुत मारेंगे। तेरे अब्बू पिटाई कर देंगे, अगर तेरे अब्बू ने मेरा हाथ भी लगा दिया तो ना मैं पिंडी पिटवा दूं। मेरा नाम शेख सिली नहीं, समझ गई? तो तेरे अब्बू भी पिंडी पिटवा दूंगा। अबे नालक, बदतमीज, तमीज से बोल। तमीज से बोल रहा हूँ खुदा के बंदे, जैसे मुझे सलवार ने बतलाया बोल रहा हूँ। ठीक है, जाके अंदर सो जा, सुबह बात करेंगे। बकरी मैं अपने आप छुटा के लाऊंगा। ठीक है ठीक है, लिया लिया बकरी, मैं तो सो जाऊंगा अंदर। क्या हुआ, क्यों लेटे हो? मैं तेरे अब्बू ने वैसे दिमाग खराब कर रखा और ऊपर से पूछ लिया क्यों लेटे हो, क्यों लेटे हो? अब क्या कह दिया अब्बू ने? यूं थोड़ा कह दिया, कल क्या कह रहे थे, बदतमीज बतला रहे थे मुझे। चल कोई बात नहीं, नाराज है ना अब्बू, चलो पानी दे। अब बकरी के लिए कुछ पूछे ना तो कह देना चरने गई है जंगल में। अच्छा हाँ ठीक है, कह दूँ। जाओ पानी जाओ। ठीक है, दे पा रहा हूँ पानी। अबू पानी पी लो, अबू पानी। अबे पानी तो मैं पी लूंगा, लेकिन बकरी कहाँ गई ये बता। बकरी, बकरी खाना पका रही है रसोई में। क्या कहा? बकरी खाना पका रही है रसोई में, और वो सलमा बेटी कहाँ गई है? सलमा गई है जंगल में चरने के लिए। अरे नालायक बदतमीज, कहीं लड़की चरने जाती होंगी? दूर हो जा मेरी नजर से, चले जाए यहाँ से। दूर हो जा, बड़े कड़क बोले तुम सब। अच्छे सच्चो गए तू, ठीक है? अच्छे पागल से पल्ला भिड़ा हमारा। क्या हुआ, उदास क्यों बैठे हो? उदास क्यों रही हो? तेरे अब्बू जैसे तू करी मैं ऐसे कर रहा हूँ। तेरे अब्बू फिर भी लुगा दबाव जा मेरी नजरों का कहीं से। अब क्या कह दिया अब्बू ने? उन्होंने पूछा मेरे से बकरी कहाँ है, मैंने कह दी रसोई में खाना पका रही है। फिर उन्होंने पूछा सलमा कहाँ है, मैंने कह दी जंगल में चरने के लिए गई है। या अल्लाह, कैसे नसीब है मेरे। चलो जी, मैं कहीं तुम्हें नौकरी दिलवाती हूँ। हाँ मुझे नहीं करनी नौकरी होगी, मुझे आप बदमा नौकर लगवा के कहीं। और क्या करोगे? मैं नहीं करने वाला नौकरी होगी। चलो चलो करो चलो। अरे मैं नहीं करने वाला। नो 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 नो, ठीक है ठीक है चलो। अरे ये तो आप जानते ही हैं अच्छी तरह से, ये हमारे चर्चे हैं, हम बहुत अमीर आदमी हैं, ये तो आप सभी जानते हैं। अमित साहब अच्छी लगा लेते हैं। अम्मा मैं भी कैसे आ जाऊँ, बैठो आओ बैठ। अच्छा ही अच्छा ही अदाब मिलते रात रो, मिलते रात रो। आमिर जी मेरे शौहर हैं शेख जी। अच्छा आमिर साहब, आप अपने यहाँ इन्हें नौकरी दिलवा दो। क्यों नहीं सलमा बेटी, तुम कहती हो तो जरूर रख लेंगे। माशाल्लाह, ये तो आप जानती हो कि हम अमीर आदमी हैं। हाँ आमिर साहब, आप हैं तो अमीर, और अल्लाह के फजलो करम से मैं समझदार भी हूँ। अबे तुम मुझे पागल समझ रहे हो? नहीं नहीं, शक्ल से तो तुम अकलमंद लगते हो। अच्छा ये बताओ पानी पियोगे? अबे कोई पिलवाएगा तो पी लेंगे। अरे तो बाहर नल लगा हुआ है, जाके पियो। नल की है? हाँ गिलास में नहीं पिलाते तुम्हारे यहाँ? अरे नलका लगा हुआ है, नलके पे पिया हो जाके। ठीक है मुझे नहीं पीना अभी। पर आमिर साहब पहले ये तो बताइए, आप इन्हें तनख्वाह कितनी देंगे? माशाल्लाह सलमा बेटी, तनख्वाह तो जो कहोगी वो ही दे देंगे, लेकिन ये काम क्या क्या कर लेता है? फिर काम तो कुछ भी करवा लिए। देख भाई, एक काम के दो दो करने पड़ेंगे, तुझे मंजूर है तो ठीक है। दो दो काम, अगर ये शर्त मंजूर हो तो मैं रख लेता हूँ सलमा बेटी के कहने से। ठीक है सर, कर लूंगा। और हमारे घर का खाना भी तुझे ही बनाना पड़ेगा। ठीक है सर, कर लूंगा। मगर ये तो बताओ आपके यहाँ कुछ खाने को मिलेगा? और ये तो तुम जानते ही हो कि हम बहुत बड़े अमीर आदमी हैं, हम 100 आदमियों को रोज खाना खिला देते हैं। तो
हमें भी कुछ खिलवा दो। और सुनो, बड़े बूढ़ों का कहना है कि खाना सब अपना अपना खाते हैं, कोई किसी का नहीं खाता। हाँ हाँ, बात तो सही है। अबे तुम ये बताओ, अपना खाना लेकर आए भी हो या नहीं? नहीं तो, हम तो नहीं लाए। अबे नहीं लाए, नहीं लाए तो भूखे मरो। बिल्कुल बिल्कुल ख्याल रखूंगा। मैं अभी इसी छोड़ कर जा रही है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, इन्हें जाने दो। मैं बंधुआ नौकर कर रही है मुझे सलमा, मैं इसलिए नहीं है साली बंद करा कर मुझे। क्यों रहा है? रोना बंद कर। कर दिया। क्या नाम बताया तूने अपना? शेख जी। शेख जी, ये ले एक काम कर, ये ले 5 रुपए और बाजार से दाल लेके आ, बना लेना, जा। पकानी भी मुझे पड़ेगी। ठीक है, साली को आप हंसवा गई मुझे तो। अच्छा काम देखे साली मुझे तो। अरे दाल तो मेरे को पकानी नहीं आती, पकाऊंगा कैसे? अच्छा फंसा के गई सलमा। नमक ज्यादा डाल, फिर मेरे से नहीं पकवाएगा कभी भी। ठीक है, पढ़ा दूंगा पहाड़े आएगा तुम। अबे शेख के बच्चे, अबे यू क्या कर रहा? तुम्हें पता नहीं मैं दाल चुग रहा हूँ, दाल चुग के तो बनाऊंगा। दाल चुग रहा, कंकड़ चुग रहा, कंकड़ जमीन पर डाल के चुगी जाती होंगे कहीं। बनवा नहीं तो बनवा नहीं, मैंने बनी आती बना नहीं। पहली बार रखा तो गड़बड़ कर दी सारी। एक काम करिए, मेरी हो रही है तबीयत खराब, हकीम जी को बुला लीजिए, मैं बैठक में आराम कर रहा हूँ जब तक। ठीक है ठीक है, कल्याण राम नहीं जान, नहीं निकले। हकीम को बुला लो, दाल पकी नहीं अभी, हकीम को बुला लो। दाल ही अच्छी कम मगर यहाँ फंसा के चली गई साली, दाल हकीम बुलाऊ। हकीम साहब जी, जी हमारे अमीर साहब बहुत बीमार हो रहे हैं, कोई कोई घड़ी के रह रहे हैं बस, कोई कोई साथ चल रहा। आप उन्हें एक बार देख आओ, और मैं अभी आ रहा हूँ, मुझे कब्र खोदने वाले और कफन का इंतजाम करना। वो क्यों? तुम अपना काम करना। वो क्यों तुम अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ, बस मेरे जितना का जाता तुम्हें बतला दिया। ठीक है तुम जाओ, मैं जा रहा हूँ। देखो लो, आप ये गोली खाइए, मैं भी आ रहा हूँ, मरीज को देख के आता हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब, बैठता हूँ। अरे हकीम जी, जी अरे वो शेख चिल्ली भेजा था मैंने आपके पास, वो कहाँ रह गया कमबख्त? जी वो तो किसी को बुलाने के लिए गया है। अच्छा। कबर का जिक्र कर रहा था कि किसी की कबर खुदवानी है क्या है। अच्छा जी, और आपकी तबीयत ज़्यादा कुछ नहीं, गर्मी की वजह से थोड़ा सा हो गई है, आप फल वल खाइए, दूध वूध पीजिए, आप जो है ठीक हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। अच्छा जी, आप आराम कीजिए और फिर चलता हूँ। ठीक है, ठीक है। अबे नालायक, कहाँ मर गया था तू? हकीम जी तो दवाई देकर भी चले गए। हकीम जी दवाई दे गए और तू अभी आया है, इतनी देर से कहाँ था तू? अरे मुल्ला जी, तुम तो ये कह रहे थे साहु जी मर गए, और ये तो जिंदा बैठे हैं। तुम ही तो कह रहे थे हकीम जी को बुला लो। मैं हकीम जी को बुला के गया, मैंने सोचा कबर वाले की जरूरत पड़ेगी, मैं कबर वाले खोजने वाले ले आया, फिर मैंने सोचा कफन की जरूरत पड़ेगी, मैं कफन भी ले आया और उधार लाया हूँ। जीता जी मार रहा मुझे। अच्छा अब एक काम कर,
नालायक इनको भेज दे। ठीक है निकल लो। नहीं निकलो, आगे बच्चे आए भावड़ा ठाकर कंधे पे, बाहर निकल जाओ। जा मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आ। ठीक है ला रहा हूँ पानी। कफन लेके आया है नालायक। ये है मेरे अब्बू जान। ठीक है जी। अब्बू अब कैसी तबीयत है? एक काम करना, मैं तो कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, इनका जरा ध्यान रखना, और कोई मक्खी बैठे तो मक्खी को बैठने ना देना। ठीक है। चाहे भले ही मक्खी मारनी पड़े। ठीक है। बिल्कुल ख्याल रखना है, जो बात मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल ध्यान से सुनिए कि नहीं, और पानी वानी का भी ध्यान रखना, पानी भी पिलाते रहना। पानी भी पिला दूंगा, मक्खी भी उड़ा दूंगा, लवानी तो मार भी दूंगा साली को मक्खी को। मैं जितना मैंने कहा उतना करना। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मेरी बात को जरा ध्यान से जो मैंने बताया, मक्खी वक्खी ना बैठने। ठीक है सुन तो भाई, मैं बह रहा हूँ, निकल लो। पानी सलमा ले जाओ, कोई काम छोड़ गई, मरीजों की रखवाल करूंगा यार, पानी हला के बता दिया। पानी सटकेगा बोलता ही ना, इशारे से बात कर रहा। फिर आ गई साली, ऐसे नहीं मानेगी, नाक पे बैठेगी है कम, मगर उड़ नहीं रही, मुंह में भी जा रही है साली, ऐसे ऐसे नहीं माने, तेरा खाजमा करना पड़ेगा। बैठेगी मर गया, अब क्या होगा? अमीर जी तो है भी नहीं यार, मेरे से कह रहे थे जो भी काम करे दुगना करिए। ठीक है ऐसा करता हूँ, कब्र खोदने वाले कही हूँ, इन्हें दफना देता हूँ, मगर मेरे को दिखने पर चलेगा भी नहीं इंसान, कैसे करूँ? किसी को लाता हूँ, किसी को साला मजदूरी का पैसे ले लेगा, सब अमीर साहब के खजाने से चला जाएगा वहाँ। ठीक है सही में तो हट गया सही में। ठीक है लाता हूँ बुला। हाँ जी कहाँ जा रहा? काम पे जा रहा हूँ। काम पे? हाँ। दस रुपए से मैं दे दूंगा तुझे। 100 रुपए लूंगा मैं। 100? हाँ। इतना महंगा? हाँ। चल 100 ही दूंगा। क्या काम है? काम? अरे काम कुछ नहीं, काम एक हटोला पीछे से पकड़ना, हर बार वहाँ खेत तक ले जाना, बस है? बस चलो ठीक है। आ जा भाई
अबे बूढ़ा कहाँ गया? मुझे क्या पता? बस ये दिखाई नहीं देता। नहीं मुझे तो हाथी भी नहीं दिखता। मैं 100 रुपए नहीं दूंगा, तेरा बूढ़ा नहीं मिलेगा। मुझे 100 रुपए चाहिए, मुझे बूढ़े से कोई मतलब नहीं है। दौड़ दौड़ चल, दौड़। चलो। बात मुल्ला जी, क्या बात होगी? क्या बात? 100 रुपए में नहीं लौंडा लाया हूँ, आप बता रहा 100 रुपए की है? और 200 रुपए में तेरा फूफा कबर खोद रहे। कबर खोद रहे? हाँ। किसकी? तेरी और किसकी? अरे मेरी जिंदगी कबर खुदवा रहा के। जिंदगी साला 4-5 पैसे कूद का भाग आया। मैं नहीं चल, चलो आज कबर। अरे भाई मैं तो कबर लौंडा पकड़ी। अरे भाई मेरे बाल को तरस तो खा रहा मुल्ला जी। अरे भाई मुल्ला जी, मेरे बाल को तरस तो खा रहा।